जीएसटी क्या है? जो जीएसटी डिपार्टमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। चीज़ को जो कंज्यूम करता है वो फाइनली उस जीएसटी को देता है। 46% कंट्रीब्यूशन सिर्फ टैक्सेशन। खर्चा हम लोग का ज़्यादा है और इनकम कम है, रेवेन्यू कम आता है सरकार के। दें कि आज के टाइम में अकाउंट भी अगर आपको खोलना है, आप प्रोप्राइटरशिप हैं और आपके नाम पे फर्म नहीं है, ठीक है, तो आपको बैंक भी मैंडेटरी कर दिया है, तभी आपका अकाउंट खुलेगा जब आप जीएसटी लेते हैं। यूए बिल क्या है? ओके, उसका क्या महत्व है, क्यों लेना चाहिए? एक ही चीज़ पे बार बार टैक्स लगता था। पहले सेंटर लगाती थी, फिर स्टेट लगाता था। नमस्कार, पहचान की सीरीज में पुनः आप सभी का स्वागत है। और आज हम उपस्थित हैं बेतिया सेंट्रल जीएसटी के कार्यालय में, और हमारे साथ मौजूद हैं अभी जीएसटी सुपरिटेंडेंट कुंदन सर। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद पहचान के लिए। आपका स्वागत। धन्यवाद सर। और पहचान के लिए आपने बहुत बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा समय निकाला हमारे चैनल के लिए, इसके लिए हम आपको साधुवाद देते हैं। और एक हम अपने चर्चा का शुरुआत करते हैं इस बात से कि चूँकि जीएसटी का जो बिल्डिंग है अलग से देखने में भी काफ़ी बड़ा लगता है, और व्यावसायिक गणों में जीएसटी जो है वो एक आम शब्द हो गया है। व्यावसायिक लोगों से अगर हट के भी देखें तो आम जनता जो भी है वो भी अगर थोड़ा सा सरकार का कोई सिस्टम बदला या दुकानदार कोई सामान महंगा कर दिया तो आम जन भी अगर कोई सवाल करते हैं कि सामान क्यों महंगा हो गया तो लोग बोलते हैं जीएसटी लग गया है। तो शुरुआत यहीं से करते हैं कि जीएसटी क्या है। देखिए, सरकार का अपना एक एक्सपेंस होता है जिस सरकार मतलब उसको खर्चा करती है जी। जैसे गवर्नमेंट के पास काफ़ी प्लानिंग होता है, जैसे रोड, ब्रिज, रेलवे, तो इन सब लोगों को सैलरी देना, तो ये सब चीज़ के लिए पैसा कहाँ से आएगा गवर्नमेंट के पास? जो भी सामाजिक तो, कार्यों में सरकार का खर्च, जो भी खर्च है, तो एक जगह खर्चा होता है तो कहीं ना कहीं से कुछ इनकम होगा। तो जैसे बहुत सारा डिपार्टमेंट है जहाँ से इनकम आता है, जैसे बैंकिंग सिस्टम है, वहाँ से गवर्नमेंट को इंटरेस्ट पे इनकम आता है। उसी तरीके से जीएसटी डिपार्टमेंट से, कस्टम डिपार्टमेंट से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, इस और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू आता है। अब जीएसटी उसमें सबसे मेजर रोल प्ले करता है। जीएसटी जो 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ, उसके पहले देखिए सेंट्रल, इस डिपार्टमेंट का नाम था सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम्स। बेसिकली जो जीएसटी डिपार्टमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। उसके दो बोर्ड हैं, एक सीबीआईसी, एक सीबीडीटी। तो सीबीआईसी हो गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, और सीबीडीटी हो गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सीबीडीटी का मतलब डायरेक्ट टैक्स हो गया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स तो मतलब जो डायरेक्ट लगता है। अगर आप कुछ इनकम कर रहे हैं तो आप पे कुछ, जैसे मैं सैलरी यहाँ से ले रहा हूँ, गवर्नमेंट मुझे सैलरी दे रही है, तो जो भी पैसा मुझे आ रहा है वो पैसा पे टीडीएस कटेगा। टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। जो मैं पैसा कमा रहा हूँ तो वो टीडीएस मेरा एक इनकम टैक्स हो गया। वो पैसा डायरेक्ट, चूंकि मैं कमा रहा हूँ तो मैं दे रहा हूँ, मेरे पे ही वो टैक्स लगेगा। तो सीबीडीटी में आता है। इन एक डायरेक्ट टैक्स को छोड़ के बाकी जितने टैक्स हैं वो हमारे विभाग में आते हैं, सीबीआईसी में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। तो बेसिकली जीएसटी जो है वो एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है, और ये डायरेक्टली मतलब इनडायरेक्ट वे में देना होता है। और इनडायरेक्ट वे में कैसे देना होता है, सपोज आप बिस्किट खाते हैं, तो जो आदमी बिस्किट खा रहा है, जो फाइनल यूज़र है, जो कंज्यूमर है, जो उस बिस्किट को कंज्यूम कर रहा है, वो उस टैक्स को देगा। बिजनेसमैन को उस टैक्स को नहीं देना है। हालांकि वो लोग देते हैं, एक पूरा चेन सिस्टम है कि वो कैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट को, रॉ मटेरियल से वो फिनिश गुड्स बनाते हैं तो कैसे वो इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेते हैं, और फिर फाइनली उस चीज़ को जो कंज्यूम करता है वो फाइनली उस जीएसटी को देता है। बेसिकली जीएसटी विभाग गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक डिपार्टमेंट है जो सरकार को रेवेन्यू, एक अच्छा खासा हाँ, रेवेन्यू देता है। अप्रत्यक्ष कर है ये। हाँ, एक अप्रत्यक्ष कर है जो अच्छा खासा एक रेवेन्यू देता है। हम आपको बता दें कि कम जीएसटी का, सिर्फ
18% कंट्रीब्यूशन आपका, मतलब आपके जो नेशनल इनकम, मतलब अगर 100 रुपया आता है गवर्नमेंट के पास तो नेशनल इनकम में 100 रुपये में आपका 18% GST का कंट्रीब्यूशन होता है और 4% कस्टम का कंट्रीब्यूशन होता है और 5% जो है आपका सेंट्रल एक्साइज का कंट्रीब्यूशन होता है। ये बहुत बड़ा अमाउंट हुआ। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा अमाउंट। तो और 19% आपका इनकम टैक्स का कंट्रीब्यूशन होता है, तो 46% कंट्रीब्यूशन सिर्फ टैक्सेशन, मतलब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स मिला। बाकी मैं कॉरपोरेशन टैक्स को अभी अलग कर रहा हूँ, वो कॉरपोरेशन टैक्स जो है वो इनकम टैक्स का पार्ट है, अगर उसको हम लोग काउंट कर दो तो मोर देन 50% हो जाएगा। जी जी ठीक है जी। तो यही है GST। और इसके लिए हम थोड़ा सा एक बात कहना चाहेंगे सभी दर्शकों से कि हमको कर देना चाहिए। बिल्कुल देना वो चाहिए। वो जो कर है हमारे देश में, हमारे समाज में, पुल बनेगा, अस्पताल बनेगा, रक्षा के सामान खरीदे जाएंगे, हमारे विकास के लिए और सारे कार्य किए जाएंगे। बिल्कुल। तो सरकार को अपने आय का एक हिस्सा देकर और सहयोग देना हमारा धर्म भी है और कर्तव्य भी है। हम लोग अगर रेवेन्यू डेफिसिट कंट्री, जैसे हम लोग अभी डेवलपिंग नेशन है, डेवलप्ड नहीं हुए, लाइक अमेरिका, अमेरिका एक डेवलप्ड नेशन है, तो रेवेन्यू डेफिसिट कंट्री हम लोग हैं, वो लोग रेवेन्यू सरप्लस कंट्री है। मतलब रेवेन्यू डेफिसिट का ये मतलब हुआ कि हमारा जो खर्चा है वो खर्चा हम लोग का ज़्यादा है और इनकम कम है, रेवेन्यू कम आता है सरकार के पास। ठीक है, तो जितना ज़्यादा टैक्स बढ़े, मतलब टैक्स सरकार के पास आएगा, विकास की गति अच्छी होगी। बिल्कुल। और अगला सवाल की तरफ आते हैं, अगले सवाल की तरफ। जी जी। GST किसको लेना चाहिए? जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि आपने GST लिया है, आप GST का बिल देते हैं, तो GST किसको लेना चाहिए? देखिए, आज के समय में क्या है कि GST तो सबको लेना चाहिए, क्योंकि GST लेने से फ़ायदा है। आपको ये बता दें कि आज के टाइम में अकाउंट भी अगर आपको खोलना है, आप प्रोप्राइटरशिप हैं और आपके नाम पर फर्म नहीं है, ठीक है, तो आपको बैंक भी मैंडेटरी कर दिया है, तभी आपका अकाउंट खुलेगा जब आप GST लेते हैं। अगर आप पार्टनरशिप फर्म हैं, आप कंपनी हैं या कोई भी, तो आपको GST लेना पड़ेगा, तभी आपका बैंक अकाउंट खुलेगा। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से ये रूल लगाया गया है कि अगर आप किसी गुड्स का सप्लाई करते हैं तो आपका टैक्सेबल जो सप्लाई है, टैक्सेबल टर्नओवर जो है, वो अगर 40 लाख से ज़्यादा है तभी आपको GST लेना ज़रूरी है, मैंडेटरी। अगर तभी है अगर आप 40 लाख से ज़्यादा का सप्लाई करते हैं पूरे साल में, और अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं तब आपके आपका जो टर्नओवर है वो 20 लाख होना चाहिए। सरकार की तरफ से ये रूल है। लेकिन अगर आज के समय में किराने दुकान वाले भी या कोई भी, मतलब जो काम कर रहे हैं या तो वो गुड्स सप्लाई कर रहे हैं या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस केस में आजकल सब लोग GST ले रहे हैं, क्योंकि उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिलता है, तो वो चीज़ उनको फ़ायदा हो जाता है बिजनेसमैन को। कोई भी खरीदारी होगी तो ये टैक्स उनको, इस टैक्स का बेनिफिट उनको मिलेगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल खरीदारी कर। बिल्कुल जी। इसमें GST के क्रम में अगर कोई व्यापार होता है तो एक सौ मिलता है ईवे बिल। जी जी। जहाँ से कोई सामान लाता है ले जाता है, तो बहुत सारे लोग का ये प्रश्न होगा कि ईवे बिल क्या है, उसका क्या महत्व है, क्यों लेना चाहिए? देखिए, ईवे बिल जो है गवर्नमेंट के को एक मेकानिज़म चाहिए था कि कैसे पता किया जाए कि बाहर से कितना सप्लाई आ रहा है और इंटरनली कितना सप्लाई हो रहा है। और बहुत लोग क्या करते थे कि कच्चे में काम करते थे, मतलब कोई GST नहीं दिया, बाहर से सामान मंगाया और बेच दिया, एक तरह का चोरी का हो सकता है, चोरी करते थे वो लोग, टैक्स इवेजन था एक तरीके का। तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को रोकने के लिए एक रूल लगाया कि अगर आप किसी दूसरे स्टेट से अगर आप सामान लाते हैं और आप 50,000 से अगर ज़्यादा का सामान लाते हैं तो आपको ईवे बिल मैंडेटरी है। अगर आप विद इन द स्टेट अगर आप कोई सप्लाई कर रहे हैं गुड्स का, तो आपको 1 लाख तक छूट है, 1 लाख के बाद अगर आप सप्लाई करते हैं तो आपको उस पर पैसा देना पड़ेगा, मतलब पैसा, मतलब इन द सेंस आपको ईवे बिल लेना पड़ेगा। अगर आप ईवे बिल वैसे लेते हैं तो
उसमें क्या होता है कि आपको जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग टैक्स है वो चीज़ आपको देना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ आपके सिस्टम में रिफ्लेक्ट होगा और कहीं ना कहीं बिल्कुल तो पारदर्शिता इतना है कि वो चीज़ आपके ईवे बिल आपने कितने का जनरेट किया। सपोज आपने 1-2 लाख रुपए का सामान आप लाए और 2 लाख का आपने ईवे बिल काट दिया, तो वो चीज़ आपके सिस्टम में दिखेगा कि आप इस मंथ में 2 लाख का सामान लाए थे। पारदर्शी व्यवस्था है, बिल्कुल एक पारदर्शी व्यवस्था है कि आपने वो टैक्स दिया कि नहीं दिया, गवर्नमेंट को पता लगेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जी, जैसे हम लोग बेतिया अभी बैठे हुए हैं और बेतिया में हम देखते हैं कि 2 GST के 2 कार्यालय हैं। जी, एक सेंट्रल का है, एक स्टेट का है। जी जी, तो दोनों का कार्य क्षेत्र क्या है, दोनों की अधिकारिता क्या है? देखिए, GST जब आया तो ये बहुत पहले आने वाला था, लेकिन उसमें था कि GST के पहले हमारे डिपार्टमेंट में अलग अलग टाइप के टैक्स थे, जैसे सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स और कस्टम, ये सब था। कस्टम को एज इट इज रखा गया, लेकिन सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स को मिला के गुड्स एंड सर्विस टैक्स बनाया गया। उसी तरीके से जो स्टेट में था बहुत सारे टैक्स थे, वैट लगता था, सेल टैक्स लगता था और भी बहुत सारे टैक्स थे, तो उन सबको भी मिला के GST बना दिया गया। अब बात ये थी कि एक्चुअली होता क्या था कि पहले कोई चीज़ एक ही चीज़ पे बार बार टैक्स लगता था, पहले सेंटर लगाती थी फिर स्टेट लगाता था, तो टैक्सेशन ओवरऑल बहुत कॉम्प्लेक्स था। उस कैस्केडिंग इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए GST लाया गया कि बार बार टैक्स नहीं देना पड़े, मतलब सेंटर से भी ना डील करना पड़े, स्टेट को भी ना डील करना पड़े, थोड़ा आसानी हो जाए। आसानी, बिल्कुल, तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए। अभी के टाइम में क्या है कि एक ही एरिया है उसको डिवाइड कर दिया गया है, जैसे नंबर ऑफ टैक्स पेयर हमारे पास ऑलमोस्ट 10,000 टैक्स पेयर हैं, एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता लेकिन लगभग इसी के आसपास टैक्स पेयर उनके पास भी होगा, मेरे पास भी होगा, तो हम अलग अलग टैक्स पेयर को डील करते हैं। ये डिवीज़न कर दिया गया 2017 के बाद कि जितने लोग जो सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स में थे उनको माइग्रेट कर दिया गया GST में, और जो वैट में थे, सेल टैक्स में थे, उनको माइग्रेट कर दिया गया GST की तरफ। इसमें तो एक सवाल अभी हम थोड़ा सा जी बिल्कुल जानना चाहेंगे। जैसे कोई व्यक्ति GST के लिए अप्लाई करता है तो उसका GST नंबर सेंट्रल के साइड से मिलता है या स्टेट के साइड से मिलता है? नहीं, देखिए क्या है कि आप मतलब अगर GST का अप्लाई करते हैं तो GST जो है एक GSTN एक कंपनी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ओन्ड है। GSTN का ही सारा सिस्टम है, जो भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड काम है वो GSTN देखती है। तो कुछ भी आप अगर रिक्वेस्ट रेज करते हैं और अप्लाई करते हैं एक नए रजिस्ट्रेशन के लिए, नए GST रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वो रिक्वेस्ट आपका GSTN के पास जाता है, और GSTN वहाँ पे सपोज उसके पास 100 अप्लीकेशन आया नए रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वो क्या करती है कि 50-50 डिवाइड कर देती है, 50 सेंटर के पास भेज देती है और 50 स्टेट के पास। कौन किसके पास गया है उसके हाथ में, वो जानता है, वो रैंडमली मतलब वो मतलब सॉफ्टवेयर डिसाइड करता है कि किसको कौन सा गया। वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला हिसाब किताब है, जैसे जो पहले आएगा पहले जाएगा, तो एक अगर 2 आया तो एक सेंटर को दे दिया, एक स्टेट को दे दिया, इसी टाइप से। उससे टैक्सेशन पे तो कोई अंतर नहीं पड़ता? कोई अंतर नहीं, जो भी टैक्स लगता है। GST के बाद 5 टाइप का टैक्सेशन सिस्टम मतलब टैक्स स्लैब किया गया, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। तो 0% तो जो भी है जैसे खाने वाली चीज़ों पे, उन सब पे लगाया जाता है। जो 5%, 12%, 18% और 28% है उसमें से सपोज 5% है अगर GST तो उसमें 2.5% CGST होता है, मतलब हमारे डिपार्टमेंट का पार्ट, और 2.5% SGST होता है, मतलब स्टेट वाले डिपार्टमेंट का पार्ट। तो 2.5-2.5 डिवाइड होना है, तो अगर कितना भी टैक्स आता है अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसे उनके पास अगर कोई पार्टी है तो बात बराबर, हाँ अगर कोई टैक्स पेयर उनके पास है तो वो भी 50-50% डिवाइड हो जाना है, तो उससे कोई इस टैक्सेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। आप कोई पार्टी अगर यहाँ है कोई भी आधा-आधा बांट लेना, बिल्कुल वो डिवीजन होना है। अच्छा, अगला सवाल ये है सर, हम जहाँ भी देखते हैं GST का और कस्टम का ऑफिस एक पास ही होता है या एक ही बिल्डिंग में होता है? बिल्कुल बिल्कुल, और अखबारों में हम लोग पढ़ते हैं कि GST और कस्टम का छापा पड़ा, फिर
कभी गुटखा पकड़ा जाता है, कभी गांजा पकड़ा जाता है, कभी मेडिसिन, कभी यूरिया, जो भी अनेक सामान पकड़े जाते हैं। तो जीएसटी का और कस्टम का क्या रोल है आपस में, इसमें जीएसटी क्या करता है? देखिए, जीएसटी का है, जो भी कस्टम का, सबसे पहले हम काम, मैं आपको बताता हूँ कस्टम में क्या होता है कि जो भी बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया से अगर कोई चीज़ थर्ड कंट्री ओरिजिन है, मतलब सपोज नेपाल से कोई चीज़ आ रहा है, ठीक है, और उस पर टैक्स नहीं दिया गया है, मतलब कस्टम ड्यूटी नहीं दिया गया है, तो उसके लिए कस्टम डिपार्टमेंट को उस चीज़ का देखने के लिए रेस्पॉन्सिबल है कि हाँ वो टैक्स आया कि नहीं आया। बिल्कुल, इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने उनको एक तरीके से डिपार्टमेंट बनाया है कि आप इस चीज़ को देखेंगे। हर एक डिपार्टमेंट का एक रोल है, जैसे बैंकिंग का क्या रोल है कि यहाँ लोगों को ऋण देना है, और जो भी अगर FD कोई करवाना चाहता है तो FD और कैश ट्रांजेक्शन करना है, तो उसी तरीके से कस्टम डिपार्टमेंट का एक काम है कि अगर कोई थर्ड कंट्री ओरिजिन कुछ भी है, या किसी बॉर्डर एरिया से कोई चीज़ अपने कंट्री में आ रहा है, या इधर से कुछ उधर जा रहा है, जिसको हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बोलते हैं, तो उनका ये काम है देखना कि हाँ वो टैक्स उन्होंने दिया है कि नहीं दिया है। और विद इन द कंट्री अगर कहीं भी कुछ होता है तो उस पर GST बनता है कि नहीं बनता है, वो काम हमारे विभाग का है, हमारे डिपार्टमेंट का है। शायद यही इसीलिए दोनों साथ होते हैं कि वो जैसे नहीं, तो हमारे एक्चुअली बात ये है कि हमारे विभाग का ही नाम है CBIC, अच्छा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, मतलब कस्टम के साथ ही GST है। बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल। एक्चुअली ऑब्वियसली मतलब गवर्नमेंट ने चाहा कि एक साथ ही मतलब टैक्सेशन को सब साथ लाया जाए, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में दो डिपार्टमेंट किए गए, सबसे दो बोर्ड किए गए, CBIC और CBDT, जैसा कि मैंने आपको इसके पहले भी बताया। जी जी जी। तो इसीलिए कस्टम और जो GST हैं, क्योंकि GST का ही रिक्रूटमेंट पहले जो आप CGL वगैरह या मतलब उसमें या UPSC में जो मतलब रिक्रूटमेंट होती है, वो जो रिक्रूटमेंट होती है वो सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर के नाम पे या IRS ऑफिसर के नाम पे रिक्रूटमेंट होता है। जैसे CGL में अगर रिक्रूटमेंट होता है तो सेंट्रल एक्साइज के नाम से रिक्रूटमेंट होता है, कस्टम का अपना कोई रिक्रूटमेंट नहीं होता है। जो वहाँ लोग होते हैं वो यहीं से जाते हैं। बिल्कुल, सेंट्रल एक्साइज में आ गया और इसी में रोटेशन बेसिस पे ये होता है, रोस्टर होता है कि हाँ कौन, कुछ लोग जैसे सपोज 100 लोग हैं कस्टम में और 200 लोग हैं GST में, तो वो 200 लोग रोटेट होके जब उनका टेन्योर, जैसे किसी कहीं कहीं 4 साल का टेन्योर है, कहीं कहीं 5 साल का टेन्योर है, तो वो टेन्योर जब ख़त्म हो जाएगा तो कस्टम वाले GST में आ जाएंगे और GST वाले फिर कस्टम में चले जाएंगे, तो ये रोटेशन चलता रहता है। अंत में सर एक सवाल पूछेंगे, थोड़ा सा जानना चाहेंगे, बताइए, जैसे कोई व्यक्ति है जो GST ले लिया है, GST चोरी कर रहा है, GST में जो टैक्स बन रहा है उसको नहीं दे रहा है समय से, तो इन सब मनमानी के जो करतूत होते हैं, इस पर GST विभाग क्या कार्रवाई कर सकता है, उसकी अधिकारिता कहाँ तक? देखिए, अगर कुछ भी वो गड़बड़ करता है तो हमारे पास, हमारे विभाग में ऊपर के लेवल में बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, तो वो चीज़ वो मैनिपुलेट नहीं कर सकता, हर चीज़ वो मैनिपुलेट नहीं कर सकता। अगर उसने सप्लाई ज़्यादा दे दिया और टैक्स नहीं दिया तो वो भी हमारे पास आ जाएगा, अगर उसने कहीं से सामान खरीदा तो वो उसके GSTR 2A में आ जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं से पकड़ा जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसके बावजूद भी वो कहीं बच गया तो कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी डिपार्टमेंट, हमारे डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे विंग हैं, जैसे DGGI है, उसके बाद हमारा एंटीवेजन है जो पटना बैठता है, फिर हमारा एंटीवेजन जो एक डिवीज़न ऑफिस है वहाँ बैठता है, तो कहीं ना कहीं वो लोग ऐसे केस की तलाश में रहते हैं कि कौन से लोग जो हैं जो ड्यूटी नहीं दे रहे हैं। अल्टीमेटली गवर्नमेंट का यही कंसर्न है और हमारे विभाग का यही कंसर्न है कि यहाँ ड्यूटी आना चाहिए, तो वो अगर गड़बड़ कर रहा है तो ड्यूटी नहीं देगा, तो अगर ड्यूटी नहीं देगा और उसके पास सब मतलब सामान आ रहा है और स्टॉक में भी नहीं है, तो अल्टीमेटली कभी ना कभी ऐसा होगा कि उसके सप्लाई तो वो दिखाएगा लेकिन टैक्स नहीं देगा, तो कहीं ना कहीं वो पकड़ा जाएगा। बिल्कुल, पकड़ा जाएगा।
और दंड के क्या प्रावधान है, कुछ फाइन हो, जेल हो, केस होता हो? बिल्कुल, एक करोड़ से अगर ऊपर कोई टैक्स का चोरी करता है तो उसके लिए जेल का प्रावधान है, और उससे कम का करता है तो जो भी टैक्स है उसके साथ पेनाल्टी और इंटरेस्ट का प्रावधान गवर्नमेंट ने किया है। ये भी बहुत है जी, बिल्कुल। पेनाल्टी लग जाना, अगर 5 साल के बाद हो जाना, अगर 5 साल तक वो उस चीज़ को छुपा के रखा हो और 5 साल के बाद पता चलता है, तो 4 साल 5 साल के बाद अगर पता चलता है गवर्नमेंट को कि हाँ कि ऐसा हुआ, गवर्नमेंट के बहुत सारे रूल बनाए हुए हैं कि कैसे उस पैसा को निकालना है। बेसिकली सबसे पहले हम लोग उनको नोटिस लिखते हैं, अगर ऐसा चीज़ पता चलता है तो सबसे पहले हम लोग नोटिस देते हैं। एक नोटिस के बाद अगर वो नहीं आता है, पार्टी अगर नहीं आती है और कोई रिप्लाई अगर अपना नहीं सबमिट करती है पार्टी, उस केस में हम 3 नोटिस देते हैं। बाद में उनको समन करने का अधिकार है, अगर वो समन में भी नहीं आते हैं तो फिर उन पे हम लोग शोकॉज कर सकते हैं, और शोकॉज में भी पार्टी नहीं आती है तो एक्स पार्टे हम लोग ऑर्डर कर सकते हैं और वो पैसा उनको देना पड़ेगा, चाहे जो भी हो। बिल्कुल, जो भी परिस्थिति अगर उनका हाँ अगर वो लोग कोऑपरेट नहीं करते हैं, हालांकि उन लोगों के लिए भी सिस्टम बनाया गया, उनके लिए भी कोर्ट बनाया गया है, वो लोग हमारे भी विभाग के भी कोर्ट हैं, जैसे कमिश्नर अपील है, सेस्टेट है, सेंट्रल एक्साइज सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल सेस्टेट है, उसके बाद हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो चीज़ उनको भी अधिकार दिया गया है। नहीं, अधिकार लेकिन की बात एक अलग लेकिन, है, लेकिन चोरी, लेकिन तो अगर कहीं चोरी, भी चोरी कर रहे है। हैं जी बिल्कुल अगर चोरी है। कर रहे हैं तो उस चीज़ को कोर्ट भी यही बोले कि हाँ आपने टैक्स को चोरी किया है, आपको टैक्स देना है। इसलिए दर्शकों से भी मैं कहना चाहूँगा कि आप टैक्स की चोरी ना करें, जो भी टैक्स हो समय से भरें। बिल्कुल, कभी उम्मीद में ना रहें कि हम कोर्ट जाएंगे, अपील करेंगे, झूठ पे झूठ बोलेंगे, ऐसे नहीं होगा। हो सकता है उसमें दंड भी मिले, अगर डॉक्यूमेंटेशन, समाज में बदनामी भी होगी, पेपर में नाम भी आ जाएगा, क्या फायदा इससे? और जितना ज्यादा कर देंगे लोग, जितना ज्यादा टैक्स देंगे लोग, उतना देश अपना आगे बढ़ेगा, आपका ही बच्चा आगे बढ़ेगा, आपका ही परिवार आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा, उम्मीद करते हैं सर ने जितना बताया आप सभी बहुत अच्छे से इसको समझे होंगे, संतुष्ट हुए होंगे। अगर कोई सवाल है तो आप उसको कैप्शन में दीजिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। कोशिश करेंगे कि सर से पुनः अगली बार भी मिलें और एक अच्छा वीडियो बनाएं आपके लिए, जो आपके लिए बहुत उपयोगी हो, जनहित के लिए भी उपयोगी हो। अभी बहुत ही सर का समय बहुत ही बिजी चल रहा है, और इतने बिजी शेड्यूल में थोड़ा सा समय निकाल के बात किए सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद। और पुनः मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक आप सभी हम लोगों को इजाज़त दीजिए और अपना जो प्रेम है बनाए रखिए। फिर मिलते हैं आपसे अगली बार। नमस्कार।